जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपने प्रोडक्ट यहाँ रखे हुए हैं क्योंकि सीजन स्टार्ट हो चुका है और सीजन में सभी तरह के काम करने पड़ते हैं। पीसीबी वाले अपना पीसीबी का काम करते हैं और फील्ड टेक्नीशियन अपना फील्ड का काम करते हैं। फील्ड का काम करने में कुछ तरह की प्रॉब्लम सामने आती है, जैसे साइट पर डिसाइड नहीं हो पाता कि कंप्रेसर खराब है या पीसीबी खराब है। तो उसी के लिए, जैसे आपको पता ही है, पहले से हम यह वाली ड्राइव तो सेल करते ही है, तो हमने यह दो ड्राइव नई लॉन्च की है आज से ही। और यह आप देख सकते हैं कि यह काफी पावरफुल ड्राइव है जो 15 टन तक के कंप्रेसर को चलाएगी, यानी कि आप वीआरवी वीआरएफ का कंप्रेसर मजे से इस ड्राइव से चला सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और साथ ही आप फ्रिज का भी कंप्रेसर चला सकते हैं, यानी फ्रिज का भी कंप्रेसर यह चलाएगी। ए टू जेड सभी इन्वर्टर कंप्रेसर यह चलाएगी, चाहे वह इंडक्शन है या वो डीसी कंप्रेसर है, किसी भी टाइप का कंप्रेसर है तो यह सभी कंप्रेसर्स को चलाएगी। इसके बाद यह आप देख सकते हैं, यह लोड के साथ 3 टन तक चलाएगी और बिना लोड के 5 टन 6 टन इसके ऊपर चला सकते हैं। और इसके बाद हम आपके लिए लाए हैं यह छोटी ड्राइव, मिनी ड्राइव। यह आप देख सकते हैं बिल्कुल ही छोटी है, इसको आप अपने साथ रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं, अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं अगर आपके पॉकेट थोड़ी सी बड़ी है तो। और इस ड्राइव से आप सभी तरह के फ्रिज के कंप्रेसर और अप टू 1 टन तक, यानी 1 टन तक के एसी के कंप्रेसर विद गैस के लोड के साथ आप इसे चला सकते हैं, इसे चलाकर देख सकते हैं। तो फायदा आपको ये होने वाला है कि जब भी आप साइट पर जाएंगे और आपके पास ड्राइव होगी और यूवीडब्ल्यू टेस्टर होगा, तो आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे कि 100% श्योर आप एक रिजल्ट बता पाएंगे कि कौन सी चीज खराब है, इन्वर्टर एसी में पीसीबी खराब है या फिर कंप्रेसर खराब है। ज्यादा चांस होते हैं कि पीसीबी खराब होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चांस तो है ना कि कंप्रेसर खराब हो सकता है। अगर गलती से कोई कंप्रेसर खराब निकलता है और आपने कस्टमर को पहले से नहीं बताया है तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, पीसीबी रिपेयरिंग के या फिर नया लगाने के पैसे भी फंस जाएंगे। इसीलिए हम फील्ड टेक्नीशियन के लिए यह एक अच्छा सा तोहफा लेकर आए हैं, जिससे यह पता चल जाएगा 100% क्या खराब है और आप खुल करके अपना काम कर पाएंगे। सभी वैरायटी हमारे पास अभी है। अगर आप खाली डोमेस्टिक एसी का काम करते हैं तो यह ले सकते हैं, यह तो आपके पास होनी चाहिए, यह ले सकते हैं क्योंकि यह आप इसके ऊपर 3 टन तक लोड के साथ चला सकते हैं और 5-6 टन तक बिना लोड के चला सकते हैं। और इसके बाद यह तो आपके पास होनी चाहिए क्योंकि इससे आप फ्रिज के सभी कंप्रेसर चला सकते हैं, एसी के कंप्रेसर 0.5 टन 1 टन दोनों आप गैस के लोड के साथ चला सकते हैं, 1.5 टन का कंप्रेसर आप बिना लोड के यानी बिना गैस के इसके ऊपर चला सकते हैं। तो ये आपको फायदा होने वाला है कि आप कभी भी साइड में फंसेंगे नहीं। अब ये सारी चीजें आपको चेक कराएंगे, कुछ हमारे और भी प्रोडक्ट हैं, ये यूवीडब्ल्यू टेस्टर है, अभी आपको इनके बारे में भी बताएंगे। तो ये 2-4 प्रोडक्ट हमारे और हैं जो आपकी सभी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं यह प्रोडक्ट। अगर किसी और भी तरह की प्रॉब्लम आपको फेस होती है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो हम उसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो ये दिखाते हैं आपको ड्राइव कैसे कैसे ऑपरेट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम शिवम है। अब मैं आपको ये छोटी वाली जो ड्राइव है हमारी, आप देख सकते हैं, इसे मैं आपको ऑपरेट करना सिखाऊंगा कि ये कैसे चलाई जाती है। तो दोस्तों ये देखे, ये है हमारी छोटी ड्राइव, मिनी कंप्रेसर ड्राइव है ये, और जिसे हमने कंप्रेसर से कनेक्ट कर दिया है जो कि एक फ्रिज का कंप्रेसर है। इसके यूवीडब्ल्यू हमने दे दिए हैं, आप देख सकते हैं, ये रहा इसका कनेक्टर जिसमें आप काफ़ी आसानी से यूवीडब्ल्यू कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसमें लाइन दे देंगे, हम इसे चालू कर देंगे ड्राइव को। तो दोस्तों हमने इसमें लाइन दे दी है और आप देख सकते हैं एलईडी यहाँ पर ग्लो कर रही है, और अब हम इसे चालू कर देंगे। और हमने इसके यूवीडब्ल्यू कनेक्ट कर दिए हैं कंप्रेसर से, जो कि एक फ्रिज का कंप्रेसर है सैमसंग का। तो जैसे ही आप इस बटन को दबाएंगे, यहाँ पर एक रेड बटन है, ऑन ऑफ स्विच बटन है ये, तो अब हम इसे प्रेस कर देंगे एक बार, जो कि चल गया है और आप देख सकते हैं हमारा कंप्रेसर चल चुका है।
तो साथियों आप देख सकते हैं हमारा ये कंप्रेसर चल चुका है, जो कि फ्रिज का कंप्रेसर था सैमसंग का। जब ये कंप्रेसर चलेगा तो इसमें हमारी ड्राइव में, मिनी ड्राइव में एलईडी ब्लिंक होगी, जो कि आप देख सकते हैं ये रही वो एलईडी, यहाँ पे वो ब्लिंक हो रही है। और अब हम इसे रख देते हैं और कंप्रेसर अच्छा चल चुका है, अब हम इसे बंद कर देंगे एक बार दबाने से। तो देखिए दोस्तों हमारा कंप्रेसर बंद हो चुका है और अब ये ऑफ कंडीशन में है हमारी मिनी ड्राइव, और इसकी आप ये एलईडी देख सकते हैं, ये ग्लो करे जा रही है। तो दोस्तों आपने जैसा कि देखा ये कंप्रेसर चलाना कितना आसान है हमारी मिनी ड्राइव से, बस आपको यूबीडब्ल्यू ध्यान से कनेक्ट करने हैं जिससे कि हमारा कंप्रेसर बिल्कुल सीधा रोटेट हो। तो फ्रेंड्स ये एसी का एक कंप्रेसर है हमारे पास 1.5 टन का, अब इसमें आपको सेम वैसा ही करना है, यूबीडब्ल्यू कनेक्ट कर देना है अच्छे से और एक बटन दबा देना है ऑन ऑफ स्विच। तो आइए आपको दिखा देते हैं कि कैसे होगा। ये यहाँ से हम इसे चालू कर देते हैं, इसमें लाइन दे देते हैं हमारी ड्राइव में। अब मैं इसे यहाँ से ऑन कर देता हूँ, बस आपको एक हल्का सा ऐसे प्रेस करना है और ये ऑन हो जाएगी। और अब आप देख सकते हैं हमारा कंप्रेसर ऑन हो चुका है और इसमें प्रेशर भी काफी अच्छा खासा बन रहा है। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें एलईडी भी काफी अच्छे से ब्लिंक कर रही है, जैसे कि पिछले में ब्लिंक कर रही थी जब हमने फ्रिज का कंप्रेसर लगाया था। अब हम इसे ऑफ कर देते हैं, हमारा कंप्रेसर काफी स्मूथली रन हो चुका है। अब हम इसे यहाँ से एक प्रेस दबाएंगे और ये ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने आपको बता दिया है कि हमारी ये कंप्रेसर ड्राइव किस तरह से ऑपरेट की जाएगी। और अगर आप फील्ड में काम करते हैं, आपको एसी का काम और फ्रिज का काम बहुत ज्यादा आता है, तो आपके पास ये छोटी सी ड्राइव होनी ही चाहिए, क्योंकि इस छोटी सी ड्राइव को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, काफी बैग में रख के ले जा सकते हैं काफी आसानी से। इसमें वेट भी ज्यादा नहीं है, बहुत हल्की सी एक छोटी ड्राइव है ये। तो दोस्तों जो हमारी मिनी ड्राइव है उसके अंदर हमने ये वाला पीसीबी लगाया है, जो कि हमने ये खुद डिजाइन किया है, खुद बनाया है। और दोस्तों ये जो हमने पीसीबी डिजाइन किया है ये काफी अच्छी क्वालिटी का है, इसे आप एक बार खरीदोगे और ये सालों साल चलेगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है शंकर और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये मिडल ड्राइव कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे चलाते हैं। इससे पहले आपको हमने ये मिनी ड्राइव चला के दिखा दिया कि कैसे चलाते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं। इसका स्विच ऑन कर देते हैं पहले, ये स्विच ऑन हो गई है, ये हमने ऑन कर दिए। और यहाँ पे पावर एलईडी है और यहाँ पे एम्पियर, ये पावर एलईडी, ये एम्पियर। तो ये कंप्रेसर चलाने के लिए हमको सबसे पहले इसके यूवीडब्ल्यू वायर कनेक्ट करने पड़ेंगे जो इसके पीछे दे रखे हैं। तो ये हमारा डीसी कंप्रेसर है, तो इसको हम डीसी पे ऑन कर देते हैं पहले। ये हमने डीसी पे ऑन कर दिया है और ये चल चुका है। यहाँ से हम इसके आरपीएम कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, और यहाँ पे आप, और यहाँ पे साथियों एम्पेयर शो हो रहे हैं, देखिए ये लोड डाल रहे हैं और ये एम्पेयर शो हो रहे हैं आपको, ये देखिए 1.2 एम्पेयर, और ये देखिए। अभी ये कंप्रेसर हमने बिना गैस लोड पे चलाया है, अगर हम इसे गैस लोड पे भी चलाते हैं तो भी ये ड्राइव एकदम बढ़िया तरीके से इसे चलाएगी, फर्स्ट क्लास तरीके से। आपने देखा ये कितनी आसान तरीके से ऑपरेट हुई है, इसको खाली यहाँ से प्लग इन करना है और स्विच ऑन करना है, और अगर डीसी कंप्रेसर है तो डीसी ऑन करना है, और इंडक्शन कंप्रेसर है तो एसी ऑन करना है। और साथ ही आपको नहीं पता है कंप्रेसर कौन सा है, एसी है डीसी है, तो आप बारी बारी दोनों पे चला के देख सकते हो किस पे ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। जिस पे ज़्यादा स्मूथ चलेगा वही कंप्रेसर वो होगा। और इधर से इसके आरपीएम भी बड़े आसानी से कंट्रोल कर सकते हो आप, ये देखिए ये आरपीएम फुल है, ये मिडल है, ये एकदम लो। हमने अपने ड्राइवों में एक और एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, जो कि है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अगर आपने गलती से फूका हुआ शॉर्ट कंप्रेसर लगा दिया तो ये ओवरलोड हो जाएगी, एरर दे देगी और ड्राइव आपकी बची रहेगी और सालों साल चलेगी। और साथ ही आपके पास ये ड्राइव होनी ही चाहिए ताकि आप साइड पर जाए तो आपको पता लग जाए कि पीसीबी खराब है या कंप्रेसर खराब है, और आपका टाइम सेव हो जाएगा और आप कस्टमर को एस्टिमेट भी दे पाओगे कितना खर्चा आएगा। और साथियों ये देखिए इस तरह का बोर्ड हमने इसमें यूज किया है, जो कि हमने खुद बनाया है, ये देखिए। तो साथ ही हमने अपने मिडल ड्राइव में ये वाला पीसीबी यूज करा है, ये देखिए, जो कि ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी चलेगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं देगा बीच में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर। तो अभी अभी आपने देखा कि स्मॉल ड्राइव और मिडल ड्राइव को कैसे ऑपरेट किया जाता है, चलिए अब हम देखते हैं कि बिग ड्राइव को कैसे ऑपरेट करते हैं।
ये है हमारी बिग ड्राइव और इससे कनेक्ट किया है हमने ये 2.5 टन का कंप्रेसर। इससे छोटा कंप्रेसर है हमारे पास ये पीछे 1.5 टन का। अब जो इसके कनेक्शन की बात करें तो इसका कनेक्शन सेम वैसा ही है जैसा मिडिल ड्राइव में है। इसके पीछे हमने आपकी हेल्प के लिए दे रखा है कि कहाँ कहाँ आपको कौन कौन सी वायर कनेक्ट करनी है, UVW। तो ये तीनों ऊपर UVW के कनेक्टर हैं। बस आपको ये कनेक्ट करने हैं और कनेक्ट करने के बाद आपको स्विच ऑन कर देना है। अब ये हमने मेन लाइन दे दी है और ये इसका ऑन ऑफ बटन है, पावर बटन। अब यहाँ ये हमारी ड्राइव चालू हो गई है। अभी जो कंडीशन है हमारे दोनों स्विच ऑन कंडीशन में है तो हमने दोनों को ऑफ कर दिया है। अब हम इस कंप्रेसर को ड्राइव करेंगे तो इसको ड्राइव, ये डीसी कंप्रेसर है तो हम इसको डीसी ऑन कर देंगे। ये हमने ऑन किया और ये भी चालू हो गया। तो दोस्तों देखा आपने हमारा कंप्रेसर ऑन हो चुका है पर ये प्रेशर नहीं बना पा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि पीछे जो UVW के वायर हैं वो गलत कनेक्ट हो गए हों। अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है कि वायर गलत कनेक्ट हो गए हों तो घबराना नहीं है, हमारा कंप्रेसर मतलब ड्राइव बिल्कुल ओके है। बस हमें चेंज जो करना है पीछे की वायर, कोई भी दो वायर। तो चलिए हम चेंज करके देखते हैं और रन करेंगे। तो फिर हमने दोबारा वायर रिकनेक्ट कर दिए हैं। अब हम दोबारा इसमें लाइन देकर देखेंगे और पावर ऑन कर देंगे। ये हमने पावर ऑन कर दिया है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है 5 से 10 सेकेंड। तो देखिए हमारी रिले ऑन हो गई है और साथ ही साथ डिस्प्ले पर लिखा भी आ गया है डीसी कंप्रेसर ऑन। अब हम देखते हैं, देखो दोस्तों ये प्रेशर भी बहुत बढ़िया देने लग गया है, स्मूथ रन करने लग गया है। ये प्रेशर ज़्यादा बनाने का रीज़न यही है दोस्तों कि ये ज़्यादा बड़ा कंप्रेसर है। इस टेस्टिंग ड्राइव से आप बड़े कंप्रेसर को भी टेस्ट कर सकते हैं जैसे कि VRB VRF जैसे बड़े कंप्रेसर। तो कमाल की बात तो यह है कि आप इससे छोटा कंप्रेसर भी टेस्ट कर सकते हैं, वो भी फ्रिज का। यह है सॉल्यूशन सभी प्रकार के कंप्रेसरों का। यह आपको टेस्ट करके बताएगी कि आपका कंप्रेसर ठीक है या फिर फॉल्टी है। हाँ तो हमने देख लिया है कि इस ड्राइव को कैसे ऑपरेट करते हैं। अब हम देखेंगे कि इस ड्राइव के अंदर है क्या। देखिए ये है PCB। तो देखिए ये है हमारा PCB, बड़ा भयंकर सा दिखने वाला, 5 कैपेसिटर और बड़ी सी हीट सिंक के साथ। और ये है हाईली टेक सेल्फ डिजाइन बाय इलेक्ट्रिक लोचा और ये है प्राउडली मेड इन इंडिया ब्रांड। साथियों मेरा नाम राजिंदर है और आपने अभी देखा कि हमारी जो सारी ड्राइव्स हैं, आपने स्मॉल ड्राइव, मीडियम ड्राइव और बिग ड्राइव आपने देखी। और अब हम आपको और अपने प्रोडक्ट बताते हैं। ये UVW टेस्टर है हमारा, इससे आप सभी तरह के इन्वर्टर बोर्ड का UVW जो आउटपुट है वो चेक कर सकते हैं। और ये जो साथ में है ये U है, ये V है, ये W है। और जो इन्वर्टर AC होते हैं तो उनमें इंडोर आउटडोर होता है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन और न्यूट्रल ये आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट हम आपको बताते हैं अपना, ये हमारा सैमसंग के लिए बनाया गया था, डबल डोर का फीडबैक टेस्टर है। कई बार वहाँ मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है या वो मदरबोर्ड आप साइड पे छोड़ देते हैं, तो उसकी फीडबैक चेक करने के लिए ये हमारा फीडबैक टेस्टर है। इसमें मेनली ये सैमसंग के फीडबैक टेस्टर के लिए बनाया गया था, बाकी अदर भी इसका यूज़ होता है फीडबैक के लिए। और ये हमारी, और ये जो हमारी है DC मोटर टेस्टर है, जो इंडोर की आउटडोर की 5 वायर वाली जो मोटर होती है उसको ये चेक करता है। उस पर आप इसको डायरेक्टली चला के रन कर सकते हो। इसमें ये 5 वायर हैं उसकी, तो इस पर डायरेक्टली आप चला के रन कर सकते हो। तो साथियों ये हमारा इंडोर DC मोटर का स्पीड कंट्रोल सर्किट, इससे आप इंडोर की स्पीड जो 5 वायर वाली होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके जो RPM कम हो जाते हैं तो उसको आप इससे सेट कर सकते हैं। इसमें ये प्रीसेट लगा है, इससे आप इसके RPM कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इससे आपकी स्पीड एकदम जैसे आप रखना चाहेंगे नॉर्मल वैसे सेट हो जाएगी। तो साथियों ये हमारी जो पावर सप्लाई है ये 5 वोल्ट, 12 वोल्ट और 15 वोल्ट की है।
और इसमें आप अपने जो आउटडोर पीसीबी होते हैं जो खराब हो जाते हैं उनकी पावर सप्लाई, तो उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 3 एम्पेयर है, तो आप इसको ऐसे यूज करके अपना पीसीबी रिपेयर कर सकते हैं आउटडोर का। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से इन ड्राइव्स को चेक किया जाता है, और जब आप इन्हें खरीदेंगे तो ये आपकी सालों साल चलेंगे, क्योंकि इनमें बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की प्रोटेक्शन है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अगर आप खराब या जला हुआ कंप्रेसर लगाएंगे तो कुछ चिंता की बात नहीं है, लगा सकते हैं। और साथ ही में आपने इन सभी प्रोडक्ट के बारे में भी समझ लिया है। और यह वाली आप ड्राइव देख सकते हैं, ये हमने सबसे पहले सैंपल बनाया था, और यह वाली जो बॉडी है ये पीसीबी से बनी हुई है। ये आप देखें ध्यान से, यह बॉडी पीसीबी से बनी हुई है। और ये ड्राइव हम गिफ्ट करने वाले हैं वेस्ट बंगाल में, बुबई दादा हैं। यह ड्राइव हम बुबई दादा को गिफ्ट करने वाले हैं, फ्रिज वाली ड्राइव। और यह हमारे हाथ से बनी हुई ड्राइव है, ये सारे पीस हमने काटे हैं, इसकी बॉडी हमने सैंपल के लिए दी थी तब यह बॉडी बनकर आई थी। तो यह वाली ड्राइव गिफ्ट मिलने वाली है बुबई दादा को। तो साथियों यह वाली ड्राइव भी हम गिफ्ट करने वाले हैं, और यह ड्राइव गिफ्ट मिलेगी उन्हें, हम देखेंगे अपने 6 मंथ की वीडियो में, लास्ट वीडियोज में अगर किसी के कमेंट हर एक वीडियो में हुए तो उन्हें यह ड्राइव गिफ्ट मिलेगी। तो एवरी 6 मंथ में हम कुछ ना कुछ गिफ्ट करते रहेंगे। अगर 1 से ज्यादा लोगों के होंगे तो फिर एक लकी ड्रॉ जैसा बना लेंगे, पर्ची लिख करके जिसकी पर्ची निकलेगी उन्हें यह गिफ्ट कर देंगे। तो यह दोनों ड्राइव गिफ्ट करने के लिए है, और बाकी ये तो आप देख ही सकते हैं, आपको यह चाहिए या यह चाहिए या यह चाहिए, यह तो आपके पास होनी चाहिए ताकि आप साइट पर ले जाकर के चेक कर सकें, क्योंकि बिना गैस के यह 1.5 टन का कंप्रेसर भी चलाएगी ड्राइव। और यह तो टोटल ही जो डोमेस्टिक सॉल्यूशन है, टोटल जितने भी डोमेस्टिक एसी होते हैं वो सभी को चेक कर सकती है, यह ड्राइव इन्वर्टर एसी है। और यह आप देख सकते हैं कि डोमेस्टिक कमर्शियल दोनों को कर सकती है, तो जो आप चाहें वो ले सकते हैं। तो उम्मीद है साथियों आपको हमारे प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आए होंगे। तो साथियों कांटेक्ट करने के लिए आपको नंबर चाहिए होगा, तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन ओपन करनी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट में नंबर देंगे। आज की वीडियो में साथियों इतना ही, फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।